राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टर सुधीर लाठ ने देशवासियों को खुशी का पल दिया है। लगातार 7 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में सोना जीता है। उनकी उपलब्धि पर परिजनों व ग्रामीणों के साथ सभी खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। सोनीपत के गांव लाट में किसान परिवार में जन्मे सुधीर लाट बचपन से ही प्रतिभावान रहे हैं। महज 5 साल की उम्र में पैर में परेशानी के चलते वह दिव्यांग हो गए, उसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। साल 2013 में शरीर को फिट रखने के लिए उन्होंने पावर लिफ्टिंग शुरू की थी। उसके बाद बेहतर अभ्यास के चलते इसे जीवन का हिस्सा बना लिया। पैरा खिलाड़ी वीरेंद्र धनखड़ से प्रेरित होकर पैरा पावर लिफ्टिंग शुरू की थी। महज 2 साल की मेहनत से ही वह नेशनल तक पहुंचे और नेशनल में सोना जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। वहां से शुरू हुआ नेशनल में सोना जीतने का उनका सफर लगातार 7 साल से जारी है, जिसके साथ ही वह साल 2021 और 22 में स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब जीतकर देशवासियों को रोमांचित कर चुके हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने हैवी वेट वर्ग में देश के लिए सोना जीता है। सुधीर लाठ 4 भाइयों में से एक है। उनके पिता CISF जवान राजबीर का 4 साल पहले निधन हो गया था। अब 4 भाइयों के साथ परिवार में माँ व चाचा है। सुधीर ने हमेशा देसी खान पान को तरजीह दी है। वह रोजाना 5 किलो दूध के साथ ही चने व बादाम खाते है। बहुत खुशी ही नहीं है। शुरू से देश का नाम रोशन करना, मेडल प्राप्त करना है। उसमें पता शुरू तो था खेल चाटी थी, उसका वो खेल बहुत खेलता रहा, वो अपना जीत गया और मेडल लिया और देश का नाम रोशन कर। बहुत खुशी है भाई बेटे के जीते की और भगवान सब अपना साथ दे और सबके जीते। 8 साल हो गए जी, एशियन का मेडल उसने जीता जी, कई मेडल जीत लिया जी, कभी हारा नहीं जी। आज सोच रहे थे जी हम बात, हमारे बेटे ने पूरा काम कर दिया जी, जिससे उनका शरीर पूरी तरह नेचुरल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।